ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं मेहताब की शहंशाह को आगरा लौट जाना चाहिए था, परंतु वो अब भी यहाँ है। क्यों? ये हम भी नहीं जानते। खैर, तुम सब लोग जाकर सो विश्राम करो। सही समय आने पर हम स्वयं शहंशाह से बात कर लेंगे। कौन है? कौन है वहां पे? शर्जा, आप इतनी रात्रि को आप यहां पर क्यों आए? और जब हमने आपसे आगरा लौट जाने के लिए कहा था तो आप गए क्यों नहीं? और पंचायत में ये सब नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? आप आराम से जोधा बेगम, आराम से बैठिए, आराम से यहाँ बैठ जाइए। इतनी रात गए हम आपके खेमे में क्यों आए? पहली बात ये कि हम इतनी रात गए आपके खेमे क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम आपके शौहर हैं जोधा बेगम। हम जब चाहें जैसे चाहें आपसे मिलने आ सकते हैं। परंतु शहंशाह, इस समय यहाँ पर परिस्थितियाँ भिन्न हैं, और जो पंचायत में आपने खेल खेला उसकी क्या आवश्यकता थी? वो खेल नहीं था जोधा बेगम, वो वक्त की जरूरत थी। जब शेख हुम से नाराज हो जाते हैं तो हम उन्हें मनाते हैं ना, ठीक उसी तरह हमारी आवाम, हमारी औलाद आज हमसे नाराज है तो उनके गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय बताना चाहते हैं हम उन्हें कि जो कुछ भी हमने उसके बारे में सोचा बिल्कुल सही सोचा। हम यहाँ रहकर हमारी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। फिर आगरा का क्या होगा? सल्तनत को कौन संभालेगा? आप फिक्र मत करिए, उसके इंतजाम भी हमने कर दिए हैं। हमने आगरा में एक पैगाम भिजवा दिया है कि जब तक हम ना लौटे सल्तनत के वलियाद बाकी सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, और अगर कोई बड़ी बात हो जाती है तो उस बात की खबर वो हम तक पहुंचा देंगे। आप समझ नहीं रहे। समझ आप नहीं रही हैं जोधा बेगम, हमारी जिंदगी की दो सबसे अहम चीज आज यहाँ मौजूद है, एक आप और दूसरी हमारी आवाम, और इन दोनों के लिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। परंतु क्या यहाँ पर आप एक आम नागरिक के भांति रहकर काम कर पाएंगे? क्यों, जब आप यहाँ रहकर हमारी आवाम की खिदमत कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? क्या आपको आपके शौहर पर इतना भी यकीन नहीं है? जोधा बेगम यहाँ रहकर हमारी आवाम की खिदमत कर उसके दिल, उसके यकीन को फिर से जीतना चाहते हैं। एक शहंशाह की हैसियत से ना सही, लेकिन आपके नौकर की हैसियत से करेंगे। आप इजाजत देंगी ना हमें? हमारी मालकिन जो हमें कहेगी हम वो सब करेंगे। शहंशाह, ठीक है, तो हम आपको अभी आज्ञा देते हैं कि अभी आप इस खेमे से चले जाइए। हम समझ सकते हैं, गांव के मसीहा के खेमे में अचानक से रात में गैर मर्द की मौजूदगी लोगों के लिए शक की बात होती है। ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जैसा हमने कहा, हम बस यहाँ आपसे मिलने आए थे, आपसे बात करने आए थे, अपने सवालों के जवाब आपको देने आए थे। चले जाएंगे यहाँ से। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। ये फरमान स्वयं शहंशाह ने भिजवाया है। जब तक वो आगरा नहीं लौटते सल्तनत का कामकाज आपको ही देखना होगा वलीहद। हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हर किस नहीं। परंतु वलीहद,
शहंशाह की अनुपस्थिति में राजकाज का कार्य संभालना वलीअहद की जिम्मेदारी होती है और शहंशाह का ये आदेश भी है। दादी जान समझाइए इन्हें, हम आवाम की जितनी मदद बाहर रहकर कर सकते उतनी इस महल में रहकर नहीं कर सकते। मगर वलीअहद आगरा में रहकर सल्तनत संभालना भी उतना ही जरूरी है। सल्तनत की सरहद के अंदर जहाँ एक और गरीबी और भूखमरी है, वहीं सरहद के बाहर दुश्मनों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। हमें कई अहम फैसले लेने बहुत जरूरी है। मगर वो फैसले तो आप लोग भी मिलकर ले सकते हैं ना? नहीं हुजूर, वजीरों का काम है शहंशाह को सलाह देना। फैसला लेना न हमारे अख्तियार में है न ही हमारे बस में, इसलिए जब तक शहंशाह नहीं आते सारे फैसले आपको ही लेने होंगे हुजूर। मगर हम कैसे संभाल सकते? सलीम, अक्सर जरूरतें हमें मजबूत बनाती हैं और सिखाती भी हैं। शायद ये मौका तुम्हें इसीलिए मिला है कि तुम आने वाली जिम्मेदारियों के लिए और मजबूत बन सको और कुछ सीख सको। अब तक तुम बाहर रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें महल में रहकर उनकी हिफाजत के लिए फैसले लेने होंगे। याद है बेटा, तुमने बचपन में हमसे दो वादे किए थे, एक के बड़े होकर तुम हमसे निकाह करोगे और दूसरा के हरम, महल और यहाँ रहने वाले सब की हिफाजत करोगे। हम तो सिर्फ तुम्हारी अपनी कही हुई बात तुम्हें याद दिला रहे हैं। एक वादा तो तुमने तोड़ दिया, अब दूसरा मत तोड़ना। ठीक है दादी जान, हमें जिम्मेदारी कबूल है, मगर हम जो अवाम की मदद कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे। हुकूमत और अवाम की खिदमत, हम दोनों काम एक साथ करेंगे। ठीक है वलीअहद, अब इसमें कोई समस्या नहीं। मेरा बच्चा, राम राम जी, राम राम, राम राम। अरे सुरजन, तुम आ गए? जी। चलो राधा जी के पास खड़े हो जाओ, जो वो कहें वो करना। जी। और मधुरा तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। क्यों हम शहंशाह को यहाँ लेकर आए? अपने ही पाँव पर हमने खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि इसके हुक्म को बजाना होगा हमें। अरे वहाँ क्या देख रही है, आ मेरे साथ। ये हमारी घरवाली हैं, इनसे काम नहीं हो पाएगा, इनके हिस्से का काम हम कर लेंगे। नहीं नहीं, जहाँ आप वहाँ मैं, जब आप काम कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकती हूँ ना। लेकिन मथुरा, आपसे काम नहीं हो पाएगा। तो सीख लूंगी। नहीं मथुरा, आपके पति काम कर रहे इतना ही पर्याप्त है, आप रहने दीजिए बहन। अरे राधा जी, आप मना क्यों कर रही हैं? इस समय तो जितने हाथ होंगे उतना ही अच्छा है। कोई अपने मन से सेवा करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, तो हम उसे क्यों रोकें? अरे सुरजम, तुम खड़े क्यों? काम पे लग जाओ। और मधुरा, तुम इनके साथ जाओ। कहिए राधा जी, हमें क्या काम करना है? वो वहाँ पीछे भोजन बन रहा है, तो वहाँ पर जाकर सहायता करवा दीजिए। जी ठीक है। चंद्रा, मधुरा को काम दिखाओ। हाँ, वो वहाँ सब लोग खड़े हैं, आप उनकी मदद कर दीजिए। अरे तू तो ऐसे डर कर बोल रही है जैसे ये मुगल सल्तनत की बेगम हो, फटाफट काम पर लग जाओ। हम भूलेंगे नहीं चौथा बेगम कि आपकी वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है। अरे इनसे नहीं होने वाला, आओ मैं बताती हूँ तुम्हें, आओ। वलीअहद का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, डाक मुंशी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इजाजत है। जी। आदाब वलीअहद। आदाब, कहिए डाक मुंशी साहब। आमेर से आपके लिए ये आया है। रख दीजिए, शुक्रिया। मुगल सल्तनत के वलीअहद को हमारा प्रेम भरा प्रणाम स्वीकार हो। जब से हम आपसे मिले हैं तब से लेकर आज तक एक पल ऐसा नहीं गया है कि हमने आपको स्मरण न किया हो। यहाँ पर सब कुशल मंगल है, परंतु आगरा और मुगल सल्तनत में जो प्रकोप हुआ है उसके विषय में जानकर बहुत ही दुख हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही वहाँ सब ठीक हो जाए। आपके लिए भेंट भेजिए और हाँ, एक हार अनारकली के लिए भी भिजवाए, उस तक भिजवा दीजिएगा। धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा में, आपके पत्र की प्रतीक्षा में,
आपकी मान भाई। हुजूर, ये अनारकली को भिजवा दीजिए। जी। आदाब, ये वली अहद ने आपके लिए भिजवाया है। वली अहद ने? यहाँ आवाम भूख से बेहाल है, उनकी राहत के लिए खजाने में रकम नहीं, और शहजादे सलीम हम पर कीमती हार लुटा है। कैसा दोहरा बर्ताव है ये, बाहर कुछ और जताते और अंदर से कुछ और। अनारकली, हम आपको कैसे बताएं कि हमारे अंदर क्या तूफान चल रहा है। जब से हमें मालूम हुआ है कि आपके नालात के जिम्मेदार हम हैं, नफरत हो गई हमें खुद से। हर बार ऐसा काम कर जाते कि हमारे मन में उनके लिए नफरत बढ़ ही जाए। या खुदा, कैसे इंसान है ये? न जाने कैसे इंसानियत भूल कर हैवानियत पर उतर आए थे हम अनारकली। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए ना तो आपने हमें माफ किया और ना ही हम खुद को माफ कर पाए। हमारे साथ जो किया वो एक बार हम भुला भी देते, मगर इस हरकत को हम कभी माफ नहीं करेंगे। सूरजन जी, चूल्हे पर से ये बर्तन तो उतारो। जी। जला लिया ना हाथ? इतना भी नहीं पता कि गरम बर्तन को कपड़े से पकड़ के उतारा जाता है? सुमित्रा, आओ तनिक हमारी मदद करो। सूरजन, तब तक तुम दूसरा काम कर लो। ये करछी लो और चूल्हे पे पड़े बर्तन में डाल के हिलाओ, दूध है उसमें। जी। धीरे धीरे हिलाना, दूध बर्तन के तले को पकड़े ना, बेसन धीरे धीरे करके डालना, एक साथ सारा का सारा मत डालना। शुक्रिया। नहीं, हम कर लेंगे। अरे भाई सुरजन, वो बेचारी गूंगी बहरी है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो इशारे में कहो, फिर समझेगी। जानता हूं मैं। तुम्हें कैसे पता? अभी भी तो आपने कहा। अच्छा मजाक कर लेते हो। हमें आप पर बहुत फख्र है। काश तुम्हारे वालिद भी मुगल सल्तनत के लिए फख्र बन सकते। या अल्लाह, मजदूरों का काम करते करते तो हम थक गए। हैदर जी, हैदर जी, अम्मी जान ने बताया कि ना आपको खीर बहुत पसंद है, और हमें आओ। हम जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हो ना कितनी खूबसूरत बला कौन है आपके बाजू में, है ना? बेशक नहीं, हम जानते हैं कि आप कौन है। आप समा है ना? नाविदा खाला की बेटी। लेटी? हम क्या नाले पे लेटे थे? हम नाविदा खाला, आपको पता है? आपकी ना आपकी खाला, उनकी बेटी है हम। शमा, हमें पता है कि आप कौन है। आप शमा है नाविदा खाला की बेटी। नहीं 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 नहीं, रमा नहीं, शमा, 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 बोलिए आप, शमा, शमा।
क्षमा कीजिए। क्षमा। लगता है कि इसे कम सुनाई देता है। या अल्लाह, ये तो कह रहे कि मैं कम सुनाई देता है। खुदा भी कैसे कैसे जुल्म करते। अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, हाँ मैं आपके साथ। आपकी क्षमा, खुदा ना आपको बहुत देगा, खूब देगा। मैं या अल्लाह इस आफत से कैसे बचूं? आइए ना, वैसे किसे नचाने की बात कर रहे थे आप? देखिए आप यहाँ रखिए, हम काम करके आते। खेत तो खा के जाइए। कैसा चल रहा है सब? मधुरा जरा छालों की दवाई पकड़ाओ। या खुदा, ये दवाई का सिलसिला कब खत्म होगा? जरा इसे संभालो। कहो रुक्मिणी। या अल्लाह कैसा बच्चा है ये, कहाँ फंस गई रुकैया? नहीं नहीं चुप हो जा। ये गीला गीला क्यों लग रहा है हमें? या खुदा इसने तो हम पर छी। अरे अरे मधुरा, बच्चे को ऐसे नीचे मत रखो, गोद में ही रखो, कहीं किसी कीड़े ने काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये बच्चे ने मुझ पर पेशाब कर दिया है। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कपड़े बदल लेना। काश हम आगरा में होते तो इस कौशल्या को 100 कोड़े मारने का हुक्म देते, 10 मारते और 1 गिनते। लाओ मेरा बच्चा मुझे दे दो। कैसी औरत हो, एक बच्चा नहीं संभाल सकती। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है करने को, वैसे भी अभी कपड़े गंदे होने ही हैं। आओ मेरे साथ चलो। जितने भी काम है सबको इस खाते में लिख लेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। शुक्रिया रुकैया बेगम, इतने काम, इतने मेहनत की आदत नहीं होने के बावजूद आप यहाँ हमारे साथ देने आ गई। आपकी इस कोशिश ने आपकी इज्जत हमारे दिल में और भी बढ़ा दी है। जिंदगी भर हम इन दिनों को याद रखेंगे। शुक्रिया। ओ सुरजन, कहाँ जा रहे हो? ठंड है, थोड़ा हाथ आके सेक लो, आग जली हुई है। कैसे दिन निकल पड़े, काम में कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, आज दो पल आराम भी नहीं मिला, इतनी थकान है नींद भी नहीं आएगी आज। लेकिन हमें नींद आ रही है, हम चलते हैं। पर तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अपना खेमा तो उधर है ना? वहाँ नहर की तरफ। पर तुम तो कह रहे थे कि सोने जा रहा हूँ। वो क्या है ना, सोने से पहले एक बार नहा लेना चाहते हैं, दिन भर काम करके बहुत गंदे हो गए हैं, सबकी तरह बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं इसलिए। पर संभल के जाना, वहाँ जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। उस बात की फिक्र आप ना करें, उन्हें हम संभाल लेंगे। हम चलते हैं। मेरे किए की सजा उसे क्यों दी? मेरे गुनाहों की सजा उसे क्यों मिली? उसे क्यों मिली मेरे गुनाहों की सजा?
संकेत है कान्हा, पहले शहंशाह गरीबों के बाद ही घूम रहे थे, दीवार पर जोर जोर से सर पटक रहे थे, इसका क्या अर्थ है कान्हा? रक्षा करो कान्हा, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ शहंशाह? शहंशाह हमने फिर बहुत विचित्र स्वप्न देखा। अब लीजिए पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए पानी पीछे। बताइए इस बार क्या देखा अपने सपने में? हमने सपने में देखा कि अब गरीबों के भांति भटक रहे और फिर दीवार पर जोर जोर से प्रसंग भटक रहे और बार बार कह रहे हैं कि हमारे गुनाहों की सजा ऐसे क्यों थी, हमारे गुनाहों की सजा ऐसे क्यों थी। हम दीवार पर अपना सर पटक रहे हैं। ये तुम जानते कि स्वप्न भी सच साबित होगा, परंतु तो इसका अर्थ क्या है नहीं समझ पा रही। अब घबराइए मत, हो सकता है कि ज्यादा थकान की वजह से आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। लाइए हम आपको सुला देते हैं, आइए 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 हम आपको सुला देते हैं, फिक्र मत करिए, हम हैं आपके साथ। राधा जी जाग रही हैं क्या? कहिए सुखी जी, इस समय यहाँ क्यों आना हुआ? वो कुछ औरतें आई हैं दवा का थाल लेने के लिए, ले जाते हैं ताकि सुबह दवा देने के लिए उपलब्ध रहे। रुकिए हम आपको लाके देते हैं। जी क्षमा चाहते हैं, इतनी रात में आपको परेशान किया, अब आप सो जाइए। कोई बात नहीं। परेशान मत रहिएगा, आराम से सो जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप रहने दीजिए, हम परोस देते हैं। नहीं, दिन भर से तुम लोग काम में लगे हुए हो, थक गए होंगे, आराम करो। परंतु हमने कहा ना तुम जाओ मोती। राधा जी ये खाना उधर परोस देंगी? अरे मधुरा ये मटक मटक कर क्या चल रही है धीरे धीरे, पाँव में मेहंदी लगी है क्या? अरे महारानी समझती है खुद को, बैठ गई खाना खाने के लिए, उठ। लेकिन खाना तो बैठकर ही खाऊंगी ना। अब सब खाने बैठ जाएंगे तो परोसेगा कौन, शर्म नहीं आएगी तुझे? चल जल्दी से रोटियां परोस, चल। काम चोर कहीं की, बैठ गई महारानी की तरह, परोस परोस। हाँ हाँ मधुरा, ध्यान कहाँ है तेरा, क्या रोटियां खत्म हो गई हैं? नहीं तो। तूने रेवती को क्यों नहीं परोसी? हाँ भूल गई। ये क्या महारानी समझ रही खुद को, काम पूरा पड़ा है, लोगों ने खाया नहीं, काम चोर कहीं की, आग लगे तेरे पेट को। राधा जी किधर है? क्या हुआ? हाँ राधा जी आपको पंचायत ने बुलाया है। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? कुछ अधिक नहीं मालूम, पर सुरजन जी का मामला है, आपको फैसला करना है। चलिए। क्या हुआ, अब क्या किया है सुरजन ने? आप स्थान लीजिए, अभी पता चल जाएगा। क्या अपराध है
राधा जी, सुरजन पे ये आरोप है कि आधी रात को वो अपना खेमा छोड़ के जनाने खेमे के आसपास घूम रहा था।